तो दोस्तों अब जब आईपीओज आ रहे हैं तो एक साथ आईपीओज आ रहे हैं, तो 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच में एक और आईपीओ आने जा रहा है, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है और इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है और इसके जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी कुछ खास नहीं बता रहा है, तो उसका जो आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 50 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 27 शेयर का लॉट है, 50 × 27 करते हैं तो लगभग 1350 रुपए हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 10% से कम का है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और दोस्तों अगर आप सेफ्टी के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको 2 से 3 दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देखने चाहिए, उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोचना चाहिए और ये अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और दोस्तों ऐसे आईपीओज वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और जिन लोगों के भी आईपीओ अलॉट नहीं होते हैं तो वो घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अलग अलग ज्यादा लॉट अप्लाई कर सकते हैं, इससे उनके चांसेस भी बढ़ेंगे। तो फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट बन रहा है, अपस्टॉक्स और जीरोधा पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, मतलब ये चिल्ड्रन के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और ये किस किस सेगमेंट के अंदर काम करता है, तो पहला पेडियाट्रिक मतलब बाल रोग विशेषज्ञ, दूसरा है ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जो प्रसूति मतलब जो डिलीवरी वगैरह होती है लेडीज के लिए उसके लिए स्पेशल है, फिर गायनाकोलॉजी मतलब जो स्त्री रोग मतलब जो भी लेडीज के जो भी रोग के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये हॉस्पिटल चेन है और किस सेगमेंट के अंदर काम करती है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों इसके टोटल 14 हॉस्पिटल और 3 क्लिनिक हैं 6 सिटीज के अंदर, और इसकी जो टोटल बेड की कैपेसिटी है 1500 बेड की। और दोस्तों इसने जो पहला हॉस्पिटल चालू किया था 1999 के अंदर, पेडियाट्रिक मतलब जो बाल रोग चिल्ड्रंस के लिए हॉस्पिटल होता है वही, और इसकी खास बात यह है कि फुल टाइम डॉक्टर अवेलेबल मिलते हैं, फुल टाइम 24/7, और ये फुल टाइम डॉक्टर मॉडल पर ही काम करता है। तो इसके पास 602 फुल टाइम डॉक्टर अवेलेबल हैं और 1686 पार्ट टाइम डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों कंपनी का काम तो ठीक ही नजर आ रहा है जी, ये हॉस्पिटल चेन है मतलब ये हॉस्पिटल सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है हमेशा, और ये एक स्पेशल सेगमेंट के अंदर भी काम करता है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और पीयर कंपटीटर्स के बारे में बात करें तो इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2019 से लेकर 2021 तक जो इसके एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिर इसका अगर रेवेन्यू देखें तो वो भी बढ़ रहा है, पर 2020 से 2021 में इसका रेवेन्यू थोड़ा घटा है जो कि इसके लिए थोड़ी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फिर दोस्तों इसका प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी यही सिचुएशन है, 2020 से 2021 इसका प्रॉफिट घटा है। तो ये अगर घटने का कारण अगर कोविड माने तो कोविड के टाइम में क्या है कि जो भी हॉस्पिटल वाली कंपनीज है या फार्मा सेक्टर की कंपनीज है उसके अंदर काफी उछाल देखा गया था, मतलब तो उन कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी बढ़ गया था, पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट घटा है तो ये इसके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और बाकी इसका ओवरऑल अगर इसका फाइनेंशियल देखें तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, ऐसी कोई कमी कंपनी में नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों बात करें इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में, मतलब जो अपने हॉस्पिटल सेक्टर वाली कंपनियां हैं उनसे ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों रेनबो हॉस्पिटल्स का जो पीई है, जिस पीई पर लिस्ट होने जा रही है 30.36 के, और इसका जो इंडस्ट्री का पीई चल रहा है 33 का, तो अपने जो इंडस्ट्री वाले शेयर्स हैं उनसे ये शेयर जो है सस्ता लिस्ट होने जा रहा है। फिर दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल्स का जो पीई चल रहा है 79.2 का, फोर्टिस का है 58.5 का, नारायणा हृदयालय का है 42 का, और मैक्स हेल्थ केयर का है 144 का, और किम्स का है 35 का। तो अपने जो भी इंडस्ट्री के शेयर्स हैं उनसे ये शेयर जो है काफी सस्ता लिस्ट होने जा रहा है, पर उनकी वैल्यूएशंस अगर देखें तो एक दूसरे को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनकी वैल्यूएशंस किसी की ज्यादा है और ये भी ज्यादा छोटी कंपनी नहीं है, इसके वैल्यूएशंस वगैरह ठीक ही नजर आ रहे हैं। तो अपने जो इंडस्ट्री के शेयर है उनसे ये शेयर जो है सस्ता लिस्ट होने जा रहा है। फिर दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों इसका जो आईपीओ है वो 27 अप्रैल को ओपन होगा और 29 अप्रैल को इसकी क्लोजिंग डेट है, और इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है 516 रुपए से लेकर 542 रुपए के बीच में, और इसका प्राइस बैंड जो है थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। और दोस्तों ये 27 शेयर का लॉट है, मतलब मिनिमम एक लॉट के अंदर 27 शेयर होंगे और मिनिमम हमें 14,634 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक लॉट के पीछे, और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं।
और इसका जो इश्यू साइज रखा गया है 1595 करोड़ रुपए का। इसका इश्यू साइज भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है और इसका जो फ्रेश इश्यू इसके अंदर जो नए शेयर जारी करेगी लगभग 280 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आएंगे और बाकी पैसों से प्रमोटर्स अपना प्रॉफिट कमाएंगे। और इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का और इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 5 मई को और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 10 मई को और इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें पता चलेगा। जैसे ही इसका अलॉटमेंट वगैरह आएगा तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर दोस्तों अब मेन बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। तो अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 10% से भी अभी कम चल रहा है। तो अगर आप सेफ्टी के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको दूसरे और तीसरे दिन के इसके सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देखने चाहिए, उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इससे आपका रिस्क भी काफी कम हो जाएगा। तो मैं आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर डेली अपडेट देता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है, हॉस्पिटल की चेन्स हैं और जिस सेक्टर के अंदर काम करती है, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए और गायनेकोलॉजी मतलब लेडीज़ के लिए जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उसके लिए स्पेशल काम करती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई यूनिक सेगमेंट भी नहीं है। और अभी अगर बात करें फार्मा सेक्टर और हॉस्पिटल जो भी सेक्टर हैं, वो कोविड वाले टाइम में उन्होंने बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया था, उनकी उस टाइम उनका बूम था। और कंपैरेटिवली अगर कोविड वाले टाइम से अभी कंपेयर करें तो अभी जो फार्मा सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर थोड़ा सा धीमा चल रहा है, थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि कोविड वाले टाइम में क्या है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर जो भी ऐसे हॉस्पिटल सेक्टर के शेयर या फार्मा सेक्टर के शेयर्स के अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट हुआ था, पर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखी गई है। तो इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और इसके फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे हैं, पर 2020 से 2021 के अंदर इसका रेवेन्यू थोड़ा घटा है, ये थोड़ा इसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल ये कंपनी देखे तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और उसके अलावा जो इसके पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे भी ये शेयर जो है सही वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है। पर एक चीज़ ये है कि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स, अच्छे अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं, तो लोगों के पास क्या है कि ऑप्शंस हैं इस सेक्टर के अंदर अलग अलग शेयर्स लेने के लिए। तो इसके अंदर अपोलो है, फोर्टिस है, ये थोड़े लीडर शेयर माने जाते हैं, तो इससे इसको कंपटीशन वगैरह मिल सकता है। और बाकी पर्सनली मेरी बात करें तो मेरी भी यही राय है कि जो हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स अवेलेबल हैं तो इससे भी अच्छे अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से पर्सनली मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करने वाला हूँ। बाकी ओवरऑल ये कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी डिसीजन अगर आप लें तो अपनी रिस्क पर लें और अपना एनालिसिस साथ में लगा कर लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क वगैरह कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है, इससे आपका कन्फ्यूजन वगैरह काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करेंगे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।